नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको हमारे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने डाली थी कि ग्लास प्लस एल्यूमिनियम की जो रेलिंग है किस तरह से हमने लगाई थी और क्या कॉस्ट उसका आया था। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो एल्यूमिनियम के पाइप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे वेल्डिंग नहीं करते आता तो किस तरह से ज्वाइन होते, वो उसका प्रोसेस मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो नए हुए चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए इस तरह से दो एल्यूमिनियम के पाइप रहेंगे, उसके बीच में एक कनेक्ट करने का सेक्शन आपको मिलता है अलग से, तो उसे आपको दो एल्यूमिनियम जो गैप है उसमें फिल करना पड़ता है और आपको एरल्डाइट लिक्विड मिला के इसमें जो है आपको चिपकाना होता है और फिर उसके बाद दोनों एल्यूमिनियम पाइप को ज्वाइन कर लेना होता है। जिनको नहीं पता है एरल्डाइट क्या होता है, तो बेसिकली ये चिपकाने का है, इससे टाइल्स वगैरह चिपकाए जाते हैं, बेसिकली एक ग्लू की तरह है आप, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाली ग्लू ऐसे आप बोल सकते हो। तो देखिए इस तरह से फिर आपको जॉइंट भी है उसको लगा देना है और थोड़ी देर इसे सूखने देना है, ठीक है। ये और एक फास्ट वाला एरल्डाइट है, इसमें स्लो और फास्ट दो टाइप के मिलते हैं, तो आपको फास्ट लाना है क्योंकि ये जल्दी यहाँ पे सूखना चाहिए और फिर आपको यहाँ पे फिटिंग भी करनी होती है इसलिए। तो देखिए इस तरह से फिर कपड़े से थोड़ा साफ कर लीजिए ताकि जो है दाग वाग ज़्यादा इधर उधर ना रहे और एकदम क्लीन लुक आपका दिखे। तो इस तरह से दो एल्यूमिनियम पाइप को आप ज्वाइन कर सकते हो और थोड़ी देर आपको एक सीधी जगह पे रख देना है क्योंकि टेढ़ा यदि होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा लुक, तो उसे एकदम सीधी जगह पे आपको रख के उसे थोड़ी देर सूख के देना है। सो अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।